ओके okay, हमने बात की कि रिग्रेशन बेसिकली हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं टू प्रोडिक्ट वाई वैल्यू फ्रॉम द गिवन एक्स वैल्यू अब जो मेथड यूज करता है स्टेटिस्टिकली उस रिग्रेशन लाइन को ड्रा करने के लिए या लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ड्रा करने के लिए दैट मेथड इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड टू ड्रॉ द लाइन हम जब रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं फर्स्ट करेंगे हमारे जो मैंने एग्जांपल दी है आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं और हम स्टैट्स में स्पेसिस में जाके कहते हैं कि रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करो सो so ये हर तरह से लाइन ड्रॉ करेगा और वहाँ पे फाइनल लाइन ड्रॉ करेगा जहाँ पे uh, बाकी डेटा पॉइंट्स का और इस प्रडिक्टेड वैल्यू लाइन ऑफ बेस्ट फिट का डिफरेंस या डिस्टेंस कम से कम होगा सो टू ड्रॉ दिस लाइन नीड टू डिफाइन मैथमेटिकली द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड ईच डेटा पॉइंट तो हमें जानने की जरूरत है कि ये डेटा पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी डेटा में क्या है और उनका डिस्टेंस कितना होगा फॉर एवरी एक्स वैल्यू इन द द डेटा लीनियर इक्वेशन अ वाई वैल्यू ऑन द लाइन दिस वैल्यू इज द प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू एंड इज कॉल्ड द प्रेडिक्टेड वाई इसको हम इस तस्वीर में ज्यादा बेहतर तरह समझ सकते हैं दैट विल मेक मोर सेंस सो द लीस्ट स्क्वायर मेथड इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वाई वैल्यू इन द डेटा इज डिटर्मिंड बाई डिस्टेंस दैट इज टू वाई माइनस प्रोडिक्टेड बाई फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डेटा है वही वाला हमारे पास सैड स्कोर्स हैं और जी हैं और ये ओरिजिनल जो डॉट्स लगे हुए ये ओरिजिनल डेटा है सो so, डिग्रेशन को यूज करते हुए कंप्यूटर uh, ने लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की है तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट लीस्ट स्क्वायर मेथड हम क्यों कहते हैं क्योंकि इसने लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं की ऐसे नहीं की बल्कि उसने ये लाइन आपको ड्रॉ करके दी है जिसका मतलब है कि आपका आ, ये हमारा प्रडिक्टेड स्कोर सारे हमारे इसके ऊपर आएंगे ठीक है और हमारे प्रडिक्टेड और फिर एक्चुअल के दरम्यान जहाँ पे डिस्टेंस कम से कम होगा वहाँ पे ड्रॉ करेगी सो so, ये एक्चुअल स्कोर है और ये इसका प्रडिक्टेड स्कोर है सो so, यहाँ पे दिस इज द कॉल डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड प्रडिक्टेड वाई सिमिलरली इसने प्रडिक्टेड वाई यहाँ पे रखा है जबकि एक्चुअल वाई यहाँ पे है तो अगेन दिस इज अ डिस्टेंस तो हर डेटा पॉइंट का उस हमारी प्रोडिक्टेड लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिसटेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल वाई एंड द प्रोडक्टेड वाई और लीस्ट स्क्र मैथड क्या करता है कि लीस्ट स्क्वायर मैथड लाइन वहाँ पर ड्रॉ करता है जहाँ पे ओवरऑल हमारे एक्चुअल और प्रोडिक्टेड का डिस्टेंस कम से कम हो सो ली स्क्वायर मैथड बिकॉज सम ऑफ द समिटेंसिस आर पॉजिटिव सम आर द नेगेटिव तो हमने उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम उसको सिंपल स्क्वायर कर लेते हैं जैसे हमने भी पीछे देखा है पिक्चर में कि कुछ हमारे पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है यानी यहाँ पे एक्चुअल वाइज ज्यादा है और प्रोडिक्टेड कम है और यहाँ पे प्रिडिक्टेड ज्यादा है और एक्चुअल कम है सो so हम क्या करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम वाई और प्रिडिक्टेड वाई को स्क्वायर कर लेते हैं जैसे सेम हम स्टैंडर्ड एवियशन में भी करते हैं so we can define the best fitting line as the one that has the smallest total squared error so line of best fit yeah uh, kabi define kartateo japevo distance uska kam se kam hoga, ya smallest hoga. the resulting line is commonly called least squared error solution or least squared method so linear equation hum finally form the us method ko use karte

तो ये दोनों वैल्यूज अगर हमारे पास आ जाती हैं तो हम सिंपल प्लग इन करके किसी भी एक्स वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू प्रोडिक्ट कर सकते हैं सो टू कैलकुलेट द बी को एफिशेंट द फॉर्मुला इज एस पी डिवाइडेड बाई एस एस एक्स यानी हमने आपका सम ऑफ प्रोडक्ट लेना है फॉर बोथ द वेरिएबल्स यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई और उसका हम प्रोडक्ट लेंगे और फिर एस एस एक्स यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वेरिएबल और इसी तरह हम एक को कैलकुलेट करने के लिए वाई uh, वेरिएबल की मीन लेंगे और एक्स वेरिएबल की मीन लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से सो so, पहले हमें इस बी की वैल्यू निकालनी है उसके बाद हमें मीन निकालना है और उसके बाद हमें ए uh, की वैल्यू निकालनी है और फिर हम उसको ए और बी को प्लग इन करके रिग्रेशन लाइन के अंदर हम प्रडिक्टेड स्कोर निकाल सकते हैं तो लेट्स डू दिस विद स्मॉल सेट ऑफ डेटा फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू वेरिएबल्स यू कैन नेम एनी थिंग एक्स और वाई वेरिएबल हैं फ़र्स्ट करें ये हमारे स्कोरस uh, हैं आपके फर्स्ट करें ये हिस्ट्री के ऊपर आपका स्कोर है और ये आपका रिसर्च के ऊपर स्कोर है और हम देखना चाहते हैं कि क्या हिस्ट्री के स्कोर के साथ हम रिसर्च का स्कोर बल्कि स्टार्ट और रिसर्च का हम कर लेते हैं कि अगर हम आपके पास ये हमारा स्टार्ट uh, के ऊपर स्कोर है और ये हमारा रिसर्च पे है तो क्या इन दोनों में रिलेशनशिप है और क्या एक स्कोर की मदद से हम दूसरा प्रोडिक्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सो आर वेरिएबल्स आई विल सॉल्व इट हमने सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले हमने मीन uh, निकालना है एक्स का और वाई का सो so हमारे पास एक्स कॉलम ये जो हमने पिछले स्लाइड पे भी देखा अगर हम इसका टोटल करेंगे तो दैट इज थर्टी टू और हम इसको एन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन ऑफ एक्स आ जाएगा तो थर्टी टू डिवाइडेड बाय एट इज इक्वल टू फोर इसी तरह वाई के लिए हम इसको टोटल करेंगे सो सम इसका बन जाएगा सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर को भी हम ऐट पे डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा दैट इज एट तो वाई मीन हमारे दोनों के मीन आ गए अब अगला हमने निकालना है एस पी और एस एस एक्स और एस एस वाई मैंने भी आपको फार्मूला बताया है कि बी कॉफिशन निकालने के लिए और ए क्वाफिशियर निकालने के लिए फार्मूला क्या है सो so हमने हर एक्स में से उसका मीन माइनस करना है ये हमारा आ जाएगा एक्स माइनस मीन का कॉलम और फिर हर वाई में से उस वाई का मीन माइनस करना है सो so पहला एक्स कोर हमारा टू है और उसका मीन फोर है सो टू माइनस फोर वुड बी इक्वल टू माइनस टू इसी तरह हर एक्स वैल्यू में से उसका मीन माइनस किया ये हमारे पास आ गया और फिर हमने हर वाई की वैल्यू में से वाई का मीन माइनस किया तो हमारे पास ये कॉलम आ गया अगर हम इसको सम करेंगे तो वो हमेशा ज़ीरो होगा क्यों क्योंकि हर एक्स में से अगर उसी का मीन माइनस करेंगे तो एंड पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा सो टू अवॉइड दिस हम उसको स्क्वायर कर लेते हैं तो हमने हर वैल्यू को टू इंटू टू फोर कर लिया सो एक्स माइनस मीन स्क्वायर कर लिया और वाई माइनस मीन स्क्वायर करके हमने उनका सम ले लिया जो कि थर्टी सिक्स सो ऑफ डिविएशन फ्रॉम फॉर एक्स डिविएशन फॉर वाई वेरिएबल सिक्सटी फोर और इसी तरह हमने एस पी निकाला यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेरिएबल तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस मीन और वाई माइनस वाई मीन को सो माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस फाइव इज इक्वल टू टेन टू इंटू थ्री सिक्स हो इसी तरह हमने इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके वी अचीव्ड दिस कॉलम और हमने इसका जब टोटल किया तो वी विल कॉल इट एस पी यानी प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस और इसी तरह हमने ये चीजें कैलकुलेट कर ली हैं और अब अगली स्लाइड में हम इसके लिए इक्वेजन uh, फॉर्म करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अगेन ये हमारे पास डेटा है मैंने आपको बताया कि बी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एस पी डिवाइडेड बाई एस एस एक्स तो हम इसमें से हमने निकाल लिया और पीछे आपने स्लाइड में देखा है कि हमने एस एस एक्स निकाला था थर्टी सिक्स और एस एस वाई हमने निकाला था सिक्सटी फोर और एस पी हमने निकाला था थर्टी सिक्स पिछले साइड पे दिया हुआ है सो हम इसमें वैल्यूज प्लग इन करेंगे एस पी हमारा थर्टी सिक्स है और एस एस एक्स पी हमारा थर्टी सिक्स है सो बी इज वन अगर आप स्कैटर प्लॉट इसका बना के देखेंगे तो वो आपको स्लोप ऑफ द लाइन देगा यानी आ, For each change in x variable, how much change is expected to be in y variable? So अगर ये एक point change होगा तो ये भी एक point change होगा because b की value हमारे पास 1 aayi है तो अगला हमने कॉफिशेंट ए कैलकुलेट करना है और ए का हमने फॉर्मूला बताया कि मीन ऑफ एक्स माइनस बी इंटू मीन ऑफ वाई मीन ऑफ एक्स हमने निकाली थी पीछे और वो हमने निकाली थी इसकी हमने निकाली थी एट और इसकी हमने निकाली थी फोर इसको वाई है सो so हम इसमें प्लग uh, इन करेंगे वैल्यूज ये है मीन ऑफ एक्स हमारी है मीन ऑफ एक्स इज फोर एंड हमारे पास बी आया है वन और मीन ऑफ वाई हमारे पास है एट तो एट इंटू वन इज वन और माइनस करेंगे तो हमारे पास फोर आ जाएगा सो so हमारा ए क्वाफिशियंट फोर आ गया है और बी कोफिशियंट वन आ गया है तो so अब हमने uh, वाई प्रडिक्ट करना है और उसके लिए हमारी क्वेजन है ए प्लस बी एक्स इसको हम बी एक्स प्लस ए भी कह सकते हैं जैसा पीछे स्लाइड में लिखा हुआ है सो so ए की वैल्यू हमने निकाली है वो है फोर और बी की वैल्यू हमने वन आप कोई भी एक्स की वैल्यू रख के आप वाई प्रडिक्ट कर सकते हैं वैसे तो अगर हम ये ट्वेल्व रखेंगे तो आंसर सेवन ही आएगा लेकिन ऐसी कोई भी वैल्यू जो गिवन नहीं है यहाँ पे मसलन हमारे पास ये फाइव की वैल्यू तो गिवन है लेट्स से कि फाइव के लिए वैल्यू हमारे पास क्या आती है प्रिडिक्टेड सो so हमने फाइव uh, की सो so सॉरी हम प्रडिक्टेड निकाल रहे हैं सो प्रडिक्ट वुड नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एज एक्चुअल क्योंकि देर वुड बी डिस्टेंस देर वुड बी एरर सो हम वाई प्रडिक्ट करेंगे फॉर द गिवन फाइव तो इसमें हमारा आ जाएगा फाइव इंटू वन सो फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू नाइन सो हमारी प्रडिक्टेड वैल्यू फॉर एनी एक्स वैल्यू सो अगर आपका स्टार्ट के ऊपर स्कोर फोर है तो रिसर्च में आप प्रिडिक्स कर सकते हैं कि वो नाइन आएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइव का मतलब है सेवन एक्चुअल है और इसी फाइव का मतलब टेन एक्चुअल है सो देयर वुड बी आर डिस्टेंस क्योंकि वो हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट जब ड्रॉ करते हैं तो सारे लाइन को एग्जैक्टली exactly नहीं लेती डॉट्स को uh, जैसा अगर हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप हो वन का तो डॉट्स ऐसे आएंगे और हमारी प्रोडिक्शन हंड्रेड परसेंट एक्रेट होगी लेकिन अगर हमारे डॉट्स इस तरह से स्केटर्ड हैं तो फिर हमारी प्रोडिक्शन में उतना ही एरर आएगा जितने ज़्यादा स्केटर्ड या जितनी लो कोरिलेशन होगी हमारी स्टैंडर्ड एरर उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी और प्रोडिक्शन हमारी उतनी ही पुअर होती जाएगी लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं सो अब आप कोई भी वैल्यू जो यहाँ पर नहीं भी दिया हुआ मसलन अगर आप क्यूरियस हैं कि अगर आपका स्टार्ट uh, में फर्स्ट करें या एक्स वेरिएबल पे आपका स्कोर टेन आया है तो वाई पे कितना आएगा सो यू कैन रिप्लेस दिस एक्स बाई टेन एंड देन यू कैन सी आपका टेन है तो आपका वाई के ऊपर स्कोर फोर्टीन आएगा तो दिस इज एक्चुअली रिग्रेशन वर्क सो हम क्या करते हैं हम गिवन इन के साथ लाइन ऑफ़ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं यूजिंग द मेथड रिग्रेशन और उस रिग्रेशन के अंदर हम लीस्ट स्क्वायर मेथड करके लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं उस जगह पे जहाँ पे एक्चुअल और प्रोडिक्टेड का डिस्टेंस कम से कम हो जाए और फिर उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि अगर एक्स वेरिएबल में वैल्यू ये होगी तो वाई पे हमारी वैल्यू um, ये आ सकती इन जनरल देर इज सम एरर बिटवीन द प्रोडक्टेड एंड वाई ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी uh, लेकिन अगेन आई विल रीड इट आउट फॉर यू के जस्ट टू स्ट्रेंथन और टू हेल्प यू अंडरस्टैंड क्लियरली वर्ड टू वर्ड देर इज सम एरर बिटवीन द प्रोडक्टेड बाई वैल्यूज एंड द एक्चुअल डेटा ऑल दमाउंट ऑफ एर वेरीज फ्रॉम टू पॉइंट ऑन एवरेज द एरर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरलेशन जैसा मैंने बताया कि अगर कोरलेशन हमारा परफेक्ट होगा तो एरर नहीं होगी बल्कि हमारी हंड्रेड परसेंट प्रोडिक्शन होगी लेकिन अगर हमारा कोरलेशन जैसे जैसे वीक होता जाएगा हमारी प्रोडिक्शन भी वीक होती जाएगी और हमारी डॉट्स ज्यादा स्कैटर्ड होंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एक्चुअल और प्रोडिक्टेड का विद कोरिलेशन ये वन ये वही बात है कि परफेक्ट होगा तो हमारी जनरली आर क्लस्टर क्लोज टू द लाइन एंड द एरर इज वेरी स्मॉल क्योंकि आपका पहले ही परफेक्ट रिलेशनशिप है और एज द कोरिलेशन गेट्स नियर टू जीरो हमारी एरर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी uh, um, सो दिस इज़ इट इसके बाद हम आगे फर्दर uh, जाके के लाइन ऑफ बेस्ट फिर ड्रॉ करना भी सीखते हैं कि किस तरह से हम uh, अगर हमारे पास सारे डॉट्स हैं और हमने प्रडिक्टड निकालने हैं और उसकी लाइन लगानी है uh, तो फिर हम किस तरह से uh, उसको लेगा लेकिन एक्चुअली अच्छी बात यह है कि हमें एस पी एस एस के अंदर विद इन नो टाइम वो हमें स्केटर प्लॉट भी कैलकुलेट uh, uh, कर देता है बना देता है हमें लाइन ऑफ बेस्ट फिर भी ड्रॉ कर देता है हमें डिस्टेंस भी बता देता है और हमें रिग्रेशन uh, में प्रोडिक्शन भी बता देता है कि किसी भी एक्स के लिए प्रोडिक्टेड वाई कितना है और फिर कितने परसेंट वेरियंस वो एक्सप्लेन um, कर रहा है सो एस पेस एस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू बिकॉज यू डोंट नीट टू डू ऑल दिस मैनुअली बट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली किस चीज़ का क्या मतलब